फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए, अभी एग्जाम आ रही है तो बेसिक स्किल्स में हमारा दूसरा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। आप सबको पता है ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मतलब हमें कोई भी चीज़ एकदम अच्छे से देखनी है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो चीज़ का कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, फिर वो कहाँ पे रखी हुई है। अगर चार पांच चीज़ है तो कौन सी दो चीज़ सेम है, अगर डिफरेंस है तो कौन सा डिफरेंस है, अगर सब अलग अलग है तो किस तरह से अलग अलग है ना। तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आज आपको ऑब्जर्वेशन टॉपिक का एक रिवीजन करवा देती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप सबको क्या दिख रहा है, यहाँ पे टी शर्ट्स है टी शर्ट्स, उसमें मैंने अलग अलग ऐसे पैटर्न्स बनाई हुई है और सामने ये क्या है, पॉकेट्स है, ये टी शर्ट के पॉकेट्स है। तो हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कौन सी टी शर्ट पे उसका मैचिंग, कौन सा पॉकेट उसके साथ मैच होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखिए पहले इसमें क्या है, ये स्लांटिंग लाइन वाली है। ओके, तो अभी यहाँ पे आप उसका पॉकेट ढूंढोगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा ऐसा स्लांटिंग लाइन वाला पॉकेट, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, ये टी शर्ट को इसके पॉकेट के साथ मैच करेंगे। ओके, जॉइन द मिसिंग पॉकेट्स टू द करेक्ट टी शर्ट्स, तो मतलब टी शर्ट्स के साथ हमें उसका पॉकेट सेम मैच करना है। अभी देखिए यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल वाला पॉकेट कहाँ पे है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ अच्छे से ऑब्जर्व करके मैच करेंगे। अभी यहाँ पे हार्ट शेप ड्रॉ किया हुआ है, तो हार्ट शेप वाला पॉकेट कहाँ पे है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मैच करेंगे और लास्ट में ये रहा स्टार, और स्टार वाला पॉकेट ये रहा, तो फिर इसको इसके साथ मैच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन में पता चल गया कि आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और मैच करना है। अभी देखिए ये दूसरी वर्कशीट है, उसमें क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड सर्कल द मिस्टेक्स। तो आपको ये पिक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसमें कौन सी मिस्टेक है उसमें आपको सर्कल बनाना है। तो देखिए हम अच्छे से देखते हैं, ये ट्री है, ये हाउस है, तो ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये क्या है, मून है। तो मून लैंड पे होता है, जमीन पे होता है, नहीं होता है। मून कहाँ पे होता है, स्काई में होता है, तो ये उसकी मिस्टेक्स है। तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। फिर ये क्या है, एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन भी कभी लैंड पे नहीं होता, वो कहाँ पे फ्लाई करता है, स्काई में फ्लाई करता है, तो ये भी है मिस्टेक्स। तो हम यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाएंगे। फिर देखिए ये क्या है, ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस कभी स्काई में होता है, नहीं होता है, वो तो वाटर एनिमल है, तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। फिर ये फिश है, तो वो भी वाटर एनिमल है, तो वो तो स्काई में फ्लाई कर रही है, तो कभी फिश स्काई में फ्लाई करती है, नहीं करती है, तो फिर ये मिस्टेक है। फिर देखिए ये कार है, तो कार थोड़ी ही स्काई में होती है, वो तो लैंड पे होती है, तो हम कार में भी सर्कल बनाएंगे। फिर ये देखिए ये बॉय है, तो बॉय कहाँ पे है, स्काई में, तो हम कभी फ्लाई कर सकते हैं स्काई में, नहीं कर सकते, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, है ना, तो फिर ये भी मिस्टेक्स है। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी सर्कल बना दिया। तो मैंने क्या किया, पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व किया और जहाँ पे मिस्टेक थी वहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करना, निरीक्षण करना, अच्छे से मतलब कोई भी चीज़ को देखना और फिर उसकी जो मिस्टेक्स है उसे हमें सर्कल बनाने हैं, या फिर मैंने वो पॉकेट वाला करवाया कि अच्छे से देख के दो चीज़ को मैच करना है, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। अभी मैं आपको ऐसी वर्कशीट दूसरी भेजूंगी, उसमें मुझे अच्छे से वर्क करके आप फोटोज सेंड कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।